कई बार इंज हों के बंदे कहते हैं भी अब्बे ने कुरबानी दे छी है तो मुंडिया की भी हो गई, वे घर के सरबरा कुरबानी दी है तो साढ़े ना की भी हो गई है। जेड़े बंदे ते कुरबानी वाजब है, कुरबानी भी सुन लो, जेड़े बंदे को 50,000 रुपया मौजूद है तो कुरबानी वाजब जे, बोलो ना ए हूँ समझो गल न। जेड़े बंदे को 50,000 रुपया पिया वे उहदे ते कर्जा नहीं, उस बंदे ते कुरबानी वाजब जे। हजूर ने फरमाया जेड़ा बंदा कुरबानी नहीं देंदा वाजब होंदिया सार, वह साड़ी ईदगाह की तरफ ना आवे। मेरे नबी का फरमान सुन लो, असी तो एवं ढिलिया होकर बह लें, कोई गल नहीं, नहीं दी अगले साल दे छड़ांगे। केड़ा बंदा जी जिहदे कोल 50,000 नहीं। और अगला मसला सुनो, ये मसला बड़ा जरूरी जी, जिहदे घर 50,000 की LCD लगी है उहदे ते भी कुरबानी वाजब जे। असी होर पासे टुर पए आ, सानू दसिया ही नहीं गया, जेड़े घर 50,000 की LCD लगी है, TV लगा है, केबल लगी है, 50,000 60,000 40,000 की कीमत है, वह वेच के कुरबानी दवे। क्यों? ये जरूरियात जिंदगी विच नहीं, कुरबानी वो ते वाजब होंदी जिहड़ा माल जरूरियात जिंदगी तो ज्यादा होवे। कई बार साढ़े काल बिस्तरे ऐसे होंदे ने जिहड़े सारी जिंदगी इस्तेमाल नहीं होंदे, समझ रहे हो गल नूं? साढ़े घर बिस्तरे साड़ियां बीबियां पेटी विच रख छड़दियां ने, कढ़ने उहना नहीं, इहनूं क्यों नहीं कढ़दी? ये मैनूं जहेज विच मिले ने, ऐ नहीं मैं इस्तेमाल, बर्तन इस्तेमाल नहीं होंदे जी पूरा पूरा साल। जिहड़ा समान बर्तन कपड़े तवज्जो नाल सुनिया जे, बिस्तरे इस्तेमाल ना होण पूरा साल, ना इस्तेमाल होण, पेटी विच ही पे रहन, अगर उहनां दी कीमत 40-50,000 तो ज़्यादा है तो उस बंदे ते कुरबानी वाजब है। हुण बंदे परेशान हो गए ने वी ये तो फिर सारयां ते वाजब हो गई है, सोचूं तकरीबन 98% बंदियां ते अज कुरबानी वाजब है, लेकिन साढ़े कोल बहाने बड़े ने, साढ़े कोल हीले बड़े ने, और जी 50,000 है तो बच्चों नूं की देना जी, ए बीवी दे कपड़े लियाने ने, बच्चों के कपड़े लियाने ने, ना भी लियाएगा तो उन्होंने ईद गुजर जानी, पर यह कुरबानी ना देवेंगा तेरा गुना चढ़ गया तेरे नामा माल च। इस वास्ते जरूरी है तो जिंदगी तो ज्यादा जिहड़ा माल है उहदे ते कुरबानी लाजम जे। एक बंदे ने प्लाट खरीदिया, यह भी मसला समझो जी, एक बंदे ने प्लाट खरीदिया, प्लाट खरीदिया उन्हें मकान बनाने वास्ते, जकात विच ते कुरबानी विच थोड़ा जिहड़ा ना डिफरेंट, थोड़ा फर्क है। जकात विच अगर बंदा मकान वास्ते प्लाट लैंदा तो उहदे ते जकात नहीं, कुरबानी विच जरा फर्क है, उहदे विच मुख्तलिफ है, समझो। अगर बंदे ने प्लाट लिया 4-5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, कि मैं मकान बनावांगा, हजे उन्हें मकान नहीं बनाया, साल हो गया उहदे ते उस प्लाट ते, उहदे ते भी कुरबानी वाजिब है, समझ रहे हो गल? अगर एक बंदे ने प्लाट लैके रख छड़े है वे मैं इहदे ते मकान बनावांगा, लेकिन मकान बनाया नहीं, प्लाट खाली पिया, साल पूरा हो गया उहदे ते काम नहीं होया, उहदे ते कुरबानी वाजिब है, क्योंकि जरूरियात जिंदगी तो ज्यादा है। एक बंदे को 3 गड्डियां ने ना, तो 2 गड्डियां चलाते हैं तो 1 गड्डी फालतू पई है जिहड़ी इस्तेमाल ही नहीं हो रही, ये भी लैके रख छड़ी है, उहदे ते भी कुरबानी वाजिब है। अगर वो इस्तेमाल हो गई है, साल में एक बारी भी इस्तेमाल हो गई है, फिर कुरबानी वाजिब नहीं होएगी, नहीं तो वो पैसे जड़े ने कीमत जी कुरबानी अदा करेगा। इस वास्ते हज़रत जी